Central Bureau of Investigations Anti-Corruption Branch has arrested Dr. Sandeep Ghosh and three others over the alleged financial irregularities. Now the CBI Anti-Corruption Wing has demanded Sandeep Ghosh's custody for 14 days. My colleague Renik still with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details. What exactly is happening as far as the CBI's demands are now concerned? देखिए सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से जो खबर मिल रहा है, ये जो संदीप घोष, बिप्लव सिंगो, शुमन हाजरा, अफसर अली खान, ये चारों को जब कल सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, इसके इन लोगों के अगेंस्ट में बहुत सारे सबूत अभी तक सीबीआई का हाथ लगा है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी ये सर्च ऑपरेशन में सीबीआई का एंटी करप्शन विंग का हाथ लगा है और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट को ही वेरीफाई करना चाह रहे हैं सीबीआई, यानी 2021 साल से लेकर 2023 के अंदर में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल थे ये संदीप घोष और उसी टाइम पर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे वेंडर, जैसे कि सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो बायोमेडिकल जो हैजर्ड होता है उनका जो टेंडर मिलता है और उसके साथ कैंटीन का टेंडर, ऐसा बहुत सारे टेंडर ये अफसर अली खान के थ्रू ये दोनों वेंडर के साथ मुलाकात हुआ था, संदीप घोष का, बिप्लव सिंगो, शुमन हाजरा, ये दोनों के साथ अफसर अली ने संदीप घोष के साथ कॉन्टेक्ट किया था और उसी के थ्रू ये जो दो वेंडर है, ये दो वेंडर को इल्लीगल तरीके से संदीप घोष ने ये जो सरकारी वेंडर वो सरकारी टेंडर को दिला दिया था और उसी के विनिमय में बहुत सारे पैसा का लेन देन भी हो सकता है और इसी का डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स अभी सीबीआई का हाथ में है और इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं सीबीआई और इसी वजह से जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो पूर्व सुपरिंटेंडेंट है, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट है अख्तर अली, उनके तरफ से भी बहुत सारे कंप्लेंट किया गया था, जिस कंप्लेंट में संदीप घोष के केस में बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला था, इसी मामले का जांच अभी करने के लिए ये संदीप घोष को पूछताछ करना जरूरी है और संदीप घोष को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाह रहे हैं सीबीआई और संदीप घोष को लेकर ही जो सबूत अभी तक सीबीआई के हाथ में पहुंचा है, हाथ लगा है, उसका जो जांच वो जांच सीबीआई की तरफ से किया जाएगा और इसी वजह से 14 दिन का जो सीबीआई रिमांड, वो रिमांड का डिमांड आज सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से किया गया है। अभी देखना होगा कि कोर्ट कितना दिन का सीबीआई रिमांड देता है और अगले दिन सीबीआई का पूछताछ में संदीप घोष के पास से क्या क्या निकल के आते हैं, क्योंकि अफसर अली के अख्तर अली जो कि डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का, उनके तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया था, उनके तरफ से जिस तरीके का क्लेम किया गया था, जिसमें दिखा जा रहा था आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में 2021 साल के बाद से 21 साल से लेकर 2023 साल के अंदर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का तत्कालीन जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, उनके अगेंस्ट में बहुत सारे करप्शन चार्जेस है और इसी को लेकर सीबीआई का ये इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल के आते हैं उसके ऊपर अभी नजर रखना पड़ेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.